देखो आज तुम लोग से यही पूछेंगे कि पापा लोग क्या करते हैं, ठीक है। और तुम लोग 10 मिनट 5 मिनट लेट आते हो, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट स्कूल लेट आते हो, आधा घंटा लेट आते हो, तो क्या पापा लोग अगर ड्यूटी जाते हैं, अगर वो लेट से अगर जाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा? उसको काम ही नहीं दिया जाएगा। तो बताओ आकाश, खड़ा हो तुम, सच बोलना एकदम, पापा क्या करते हैं? हाँ, इडली बेचते हैं। देखो इसका, आकाश का पापा इडली बेचते हैं, कितना मेहनत करते हैं, घर घर जाते हैं, ठीक है। और लेट से आएगा, कैसे चलेगा काम? तुम बोलो जी, तुम्हारा पापा क्या करते हैं? राजमिस्त्री है। तुम भी लेट करोगे 5 मिनट 10 मिनट कैसे चलेगा काम? तुम्हारे लिए ना वो काम कर रहे हैं, अभी धूप इतना है, वो पूरा छत पर जाके काम करेंगे, करेंगे ना पूरा धूप में। हम लोग को देखो छांव में पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो छांव में, लेकिन पापा लोग क्या करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं बाबू? किसान, खेत में। हाँ। अपना खेत है कि दूसरा खेत में? दूसरा खेत में। देखो इनका पापा दूसरा खेत में काम करते हैं, अपना भी खेत में, सब बच्चा तुम लोग उसी तरह। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? गुपचुप बेचते हैं। देखो इनका पापा गोलगप्पे बेचते हैं। और देखो जब इस तरह से तुम लोग भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो, जो पापा इतना मेहनत करते हैं तो हम लोग जब पढ़ा रहे हैं तो उस पर ध्यान दो, उसको होमवर्क करके लाओ कि इतना मेहनत करते हैं पापा। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? हाँ, गिट्टी ढोते हैं, गिट्टी लाते हैं। देखो सबका पापा उसी तरह सेम है, ठीक है। चलो तुम्हारे पापा क्या करते हैं? क्या आलू का बोरा सीते हैं? बात देखो, कोई है यहाँ, कोई है एकदम जो? अच्छा चलो तुम बताओ, नाम बताओ अपना। चलो पापा क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? ट्रक वाली। वाह, तो बाहर ही रहते होंगे ज़्यादातर। हाँ। किसके लिए रहते हैं बताओ, किसके लिए वो कमा रहे हैं? तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि जो सर देते हैं स्कूल में जो पढ़ाई होता है, समय से स्कूल आए, समय से जाए, क्या ध्यान रहेगा ना? इस चीज़ को याद करो कि पापा अगर गाड़ी लेकर जा रहे हैं बाहर तो तुम्हारे लिए जा रहे हैं। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? खस के बोलो। हाँ, कौन कंपनी, कहाँ? दिल्ली में काम करते हैं। सोचो पूरा परिवार को छोड़ कर दिल्ली में काम कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए। हाँ, तुम्हारा क्या बनता है कि बढ़िया से पढ़ाई करे, है ना? तुम पढ़ाई करेगी तो पापा का या मम्मी का प्रॉब्लम सोल्व होगा ना, बड़ी होगी, नौकरी लेगी, अच्छा से पढ़ेगी, सोल्व होगा ना? बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं, बेटी भी घर चला रही है, ठीक है। चलो रिमझिम, चलो रिमझिम। घर वाले यानी पापा मम्मी क्या करते हैं? मम्मी कुछ नहीं करती, मम्मी है ना। पापा क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर। वेरी गुड। चलो तो तुम तो ठीक हो, एकदम लाइन पर हो, बहुत बढ़िया है ना, तुम अच्छा पढ़ती हो। आरुषि बताओ तो तुम। चलो पापा बताओ। वाह, सरकारी नौकरी होते हुए भी मेरा सरकारी विद्यालय में पढ़ रही है, वेरी गुड। तो आरुषि के लिए क्यों पढ़ रही है यहाँ बताओ, क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, हाँ पढ़ने मन लगता है, वेरी गुड। अरे आरुषि के लिए ताली बजाओ भाई, आजकल सरकारी नौकरी वाला सरकारी स्कूल का है। वाह वेरी गुड। चलो सीता, पापा क्या करते हैं? ढलाई में काम करते हैं। तो तुम्हारा क्या काम है सीता? पढ़ना, मन से पढ़ना, दिल से पढ़ना, डेली आना, ठीक है। तुम बोलो जी। पापा है कैमरा वाला काम करते, कैमरा वाला काम करते हैं। वाह, देखो इतना जो है गर्मी है, धूप है, उसके बाद शादी में रात रात भर जाके काम करते हैं, तो तुम्हारा क्या काम बनता है, तुम्हारा फर्ज? पढ़ने में अच्छा से आना है, पढ़ने टाइम पर आना है, और जो यहाँ से मिले उसको बढ़िया से पढ़ाई किया करो। साक्षी पापा क्या करते हैं बाबू? रिक्शा चलाते। देखो साक्षी के पापा तो किसके लिए? मेरे लिए। क्यों? अच्छा से पढ़े और अच्छा से खाए, बढ़िया कपड़ा पहने, पढ़ती बढ़िया से आती है डेली। हाँ, तो थोड़ा मन से और ताकत लगाओ पढ़ाई में, और मेहनत करो। तुम लोग को क्या करना चाहिए,
समय पर आना चाहिए, ड्रेस बढ़िया से सफाई साफ सुथरा कर लेना डेली, दिखना गंदा है तो ठीक है, नहीं गंदा है तो उसको रख देना, ठीक है। और डेली सफाई के साथ आना चाहिए, और जो यहाँ मिलता है पढ़ने के लिए उसको होमवर्क CW जो मिलता है उसको जो है घर में डेली बनाना चाहिए, तो एग्री है ना, कल से होगा ना। चलो इसलिए उन लोग के लिए ही जा रही है।